नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश तिवारी और मेरे साथ मौजूद हैं आद्य गुरु शंकराचार्य वैदिक शोक संस्थान के ज्ञानानंद सरस्वती जी। आपका स्वागत है। कुंभ में क्या चल रहा है? कुंभ जिस उपासना और धार्मिक अनुष्ठान के लिए विश्व ब्रह्मांड के इस प्राकृतिक स्थल में आयोजित है, सभी संत साधक उस उपासना की विधि प्रणाली में अपनी तैयारी कर रहे हैं। आपने देश में कई बड़े धर्म स्थलों को लेकर शोध किया है। कश्मीर को लेकर आपका शोध है, राम जन्मभूमि को लेकर शोध है, सोमनाथ मंदिर को लेकर आपने शोध किया है। तो इन सब शोध नतीजों को कहीं ना कहीं पुरातत्व विभाग और ये तमाम कानूनी पेशों के बीच मान्यता मिलती नहीं? विषय कि सोमनाथ ट्रस्ट का संकल्प जो था, भगवान श्री कृष्ण ने कहाँ महाप्रयाण किया, तो एक भालका तीर्थ है और एक श्री प्रभास क्षेत्र गोलोक धाम तीर्थ है। तो 2004 से लेकर के और ईस्वी सन 2006 तक उसका संशोधन चला और जिस भूमि का गोलोक धाम का प्रकाश किया गया, बड़े श्रद्धा और आदर बुद्धि से सोमनाथ ट्रस्ट वहाँ गोलोक धाम तीर्थ की प्रतिष्ठा कर रही है और भगवान श्री कृष्ण का प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को महाप्रयाण उत्सव मनाया जाता है। सबसे मूल विषय राम जन्मभूमि कहा गया है, तो राम जन्मभूमि पर आपने जो शोध करके दिया तो उसको कहीं मान्यता मिल रही थी? नहीं, वैदिक शास्त्रीय दृष्टि से तो पूरी मान्यता है। अब जहाँ तक आपने पुरातत्व की बात किया, तो पुरातत्व जो भौमिक जैसे खुदाई की बात करते हैं, इसमें साक्ष्यों की बात करते हैं, तो वैदिक शोध संस्थान ने यह कहा कि भारतीय धर्म ग्रंथों की अन्वेषणात्मक और अनुसंधानात्मक वृत्ति से अध्ययन हो, माने ग्रंथों की खुजाई हो, जितने भी दावेदार हैं किसके पास उतना प्राचीन साहित्य है जो हिंदू संस्कृति के पास है, या किसी के भी धर्म ग्रंथ में राम जन्मभूमि का वर्णन है क्या, हिंदू धर्मावलंबियों को छोड़ करके, वो चाहे बाइबल हो, कुरान हो, जितने भी दावेदार हैं वो अपने ग्रंथों को आयतों में देखें, क्या श्री राम जन्मभूमि का वर्णन है क्या, ठीक है ना? तो विश्व ब्रह्मांड का जो सारस्वत कोश है वो एकमात्र वैदिक संस्कृति जिसको हम हिंदू संस्कृति हैं, वो हमारे इतने रामायण हैं, इतने सूक्त हैं, इतने मंत्र हैं और मोक्षदायिनी पुरी में अयोध्या श्री राम जन्मभूमि। तो सबसे पहले जो ग्रंथों के पृष्ठ हैं वो अपने आप में साक्ष्य हैं। वैदिक ऋचाओं के अनुसार चैत्र मास है, शुक्ल है और नौमी तिथि है। इन न जाने कब से हमारे इस भारतीय पर्व और परंपरा में इसका राम जन्मोत्सव का आयोजन किया जाता है, प्रतिगृह ग्राम कुटुंब में किया जाता है। तो ये वैदिक धर्मावतलमियों के लिए ये विमर्श का विषय नहीं है। ये जो पक्ष हैं जो इसकी दावेदारी करते हैं, वो ईमानदारी से अगर अपने ग्रंथों को प्रमाणित, तस्मात शास्त्र प्रमाणम कार्य कार्य व्यवस्थित हो, अपने जो बात कर रहे हैं उनका कोई ग्रंथ प्रमाण है क्या, उसको अगर प्रस्तुत करें तो इसका न्याय हो जाएगा। आपने बद्री विशाल से लेकर और रामेश्वरम तक पैदल यात्रा की, इतना लंबा शोध किया, आपको लगता है कि जो नई पीढ़ी के संत हैं वो उस तरह का कुछ कर पा रहे हैं? जो भी संत चोले में आता है वो प्राचीन भावों से प्रेरित होकर के आता है। अब देश काल के अनुसार वर्तमान जो परिवेश है उसमें कितना वो अनुशीलन कर पा रहे हैं, जीवन शैली उनकी कितनी है, लेकिन फिर भी साधुवाद के पात्र हैं। उस परंपरा में होकर के अधिक से अधिक अपने पुरातन परंपरा का पालन करें तो उनको यश और कीर्ति अधिक मिलेगा, ये मैं ही कहना चाहूंगा। वैदिक शोध का क्या भविष्य देख रहे हैं इस समय? वर्तमान में पूरे विश्व ब्रह्मांड के जो मानव मस्तिष्क है वो वैदिक जो भी संवाद है, जैसे अभी कुंभ पर्व ही तीर्थ चल रहा है, इसमें भारतीय जनमानस के अलावा अंतर्राष्ट्रीय मानस भी इस पर आकर्षित है, क्योंकि ये जो ग्रह युति है मकर कुंभोत्सव की, ये कल प्रयाग में तो है नहीं, इस विश्व ब्रह्मांड में है, लेकिन विशेषता क्या है कि गंगा जमुना सरस्वती के ही इस आकाशीय अक्षांश और भौमिक स्थल पर है। अगर कोई इसकी प्रेरणा लेकर करना चाहे, जिसको हम तीर्थराज प्रयाग कहते हैं, तो एक प्रमाण है ये केवल देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग नहीं, ये तीर्थराज प्रयाग है। कहाँ? नद्यो विभाति मुनि भानु कन्यकई, तो मुनि कन्या माने यमुना और भानु कन्या माने गंगा।
मुनि कन्या और भानु कन्या का तात्पर्य वो यमुना जी का तट और गंगा जी का तट जहाँ संगम करता है। सतीर्थराजो जयति प्रयाग, जहाँ भानु कन्या भगवती यमुना मुनि जाह्नवी इनको बोलते हैं, भगवती गंगा का संगम होता है वो तीर्थराज प्रयाग है। ये कुंभ महोत्सव यहाँ का विशेष व्यक्ति के आध्यात्मिक उन्नति के लिए और सुख समृद्धि के लिए, प्राकृतिक प्रदूषण से निवृत्ति के लिए माघ मास पर्यंत संत यहाँ कल्पवास करते हैं, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को संग्रहित करते हैं। ये जो संवाद है ये कोई भी मस्तिष्क इस पर अन्वेषण करना चाहेगा या निवास करेगा उसको लाभ मिलेगा। तो ये थे स्वामी ज्ञानानंद जी। इनका मानना है कि वैदिक शोध का जो चला आ रहा वर्षों से कार्य है वो अभी भी अपने शबाब पर है, और जो शोध किया जा रहा है उसको वैदिक मान्यताएं हैं, भले उसे पौराणिक या पुरातत्व विभाग मान्यता न दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।